घटना के खिलाफ मुंबई में आंदोलन, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग। हाथरस में 19 वर्षीय युवती के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ आज वाशी के शिवाजी चौक पर जितेंद्र अवार्ड विचार मंच ने आंदोलन किया और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले तो लड़की को मरने दिया और बाद में परिवार को धमका रही है, या उत्तर प्रदेश सरकार के अमानवीय चेहरे को बेनकाब करता है। मंच के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की मांग की। हम जितेंद्र अवार्ड विचार मंच के सर्व पदाधिकारी सबको लेके हम आज जो वाशी शिवाजी चौक में आंदोलन किए, ये सिर्फ मनीषा ताई को न्याय मिलना चाहिए। और जैसा वहाँ के यूपी में योगी सरकार ने 25 लाख रुपया जाहिर किया है, वैसे ही केंद्र सरकार ने उस परिवार को 1 कोटी जाहिर करना चाहिए। ये हमारी मांगनी है और मनीषा ताई को न्याय मिलना चाहिए। और जो अत्याचार ये हो रहे हैं, अत्याचार किधर तो रुक जाना चाहिए। और इस पूरे बलात्कार जो प्रकरण है देश के, इस पर फास्ट ट्रैक में लेके इनको आरोपियों को फांसी की शिक्षा होनी चाहिए। ये हमारी जितेंद्र रावत विचार मंच की मांगनी है। आज हमारा सबसे पहला आंदोलन वाशी में हुआ है, इसी तरह पूरे महाराष्ट्र में मनीषा ताई के लिए हम आवाज़ उठाएंगे जितेंद्र रावत विचार मंच की तरफ से। और जो हमारे देश की महिलाएं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार ख़त्म होना चाहिए। जो हमारे देश के शासन प्रशासन लोग हैं, इनको महिलाओं को सुरक्षा देना चाहिए। और जो अपराधी लोग हैं मनीषा ताई का, उन लोग को फांसी होना चाहिए। असं म्हणणं आहे की ह्या जगात आमची या कोणाची सगळ्याची मुलगी असते तर सगळे म्हणजे आवाज उठवले असते। म्हणून आम्ही काय सांगते, न्याय त्या पोरला भेटलं पाहिजे, गरिबीचे असू श्रीमंतीचे असू, न्याय म्हणजे सगळ्याच भेटला पाहिजे। कारण की जे मॅडम लोक असतात, हिरोईन लोक असतात, त्यांना कसं प्रोटेक्शन भेटतं, मग गरीब मुलीला का नाही, गरीब मुलीला न्याय भेटलाच पाहिजे। हे आमच्या सगळ्या महिलातर्फे आहे, आम्ही आंदोलनासाठी का उतरलो, कारण की बलात्काराचा भरपूर म्हणजे वाढलं आहे, इतकं वाढलं की गरीबाच्या मुलीला बाहेर जाणं म्हणजे गुन्हा आहे। म्हणजे मुली वाचवा, मुली काढा असं म्हणतात, मग कशासाठी मुलीला न्याय नाही भेटणार, तर फायदा काय आपल्या पुढे? नेहमी कुठल्याही देशात पण असो, ते न्याय भेटलंच पाहिजे। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीव्ही वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।